Hey Marshmallows, मैं आपकी लवर गर्ल आज आपके लिए लेकर आई हूँ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बनी एक नई और अमेजिंग साउथ कोरियन हॉरर फिल्म जो कि जनवरी 2023 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे इस छोटू से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के बीच क्रिसमस के एक रात पहले सियोल शहर के दो आदमी चाइना से साउथ कोरिया आए गोल्ड ज्वेलरी के कंटेनर में चोरी कर रहे होते हैं। ये चोर लोग तोड़ कर ज्वेलरी देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, मगर वहाँ इनके अलावा एक बिल्ली भी थी। अचानक वो बिल्ली इनमें से एक की गर्दन पे जोर से अपना पंजा मार देती है। इसके कुछ ही देर बाद जब उसका साथी उसकी हालत खराब होते देखता है तो वो इस चोट के बारे में पूछता है। वो इंजर्ड आदमी अचानक अपने पार्टनर की गर्दन पे पूरी तरह काटने लगता है और खुद को छुड़ाते वक्त वो आदमी इसे नदी में गिरा देता है। नदी के बहाव में बहते बहते वो ज़ॉम्बी गंगनम पहुंचता है। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने गंगनम स्टाइल गाना तो सुना ही होगा। आपको वो गाना कैसा लगता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। खैर इसके बाद वो ज़ॉम्बी नदी से बाहर निकल कर रोड की तरफ जाने लगता है। अगले सीन में इस फिल्म की मेन लीड ह्यून शोक को दिखाया जाता है। शोक एक टाइकोंडो चैंपियन रह चुका था और फाइटिंग स्किल्स में माहिर था, मगर फिलहाल वो अपने काम की वजह से सियोल शिफ्ट हुआ था। दरअसल वो एक मीडिया कंपनी के लिए काम करता है और यही उसकी कोवर्कर मियोंग उसे बहुत अच्छी लगती थी, मगर मियोंग उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। वो इस काम की वजह से बहुत बिजी रहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बीच सड़क पे बहुत सारे लोग उस इन्फेक्टेड आदमी का वीडियो बना रहे थे क्योंकि वो किसी जानवर का कच्चा मांस खा रहा था। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। वहाँ के पुलिस ऑफिसर भी इसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछते वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है। वो पूरी तरह अपने सेंस में नहीं था और तभी शॉक फोन पे बात करता हुआ उसी जगह से जा रहा होता है और ये इन्फेक्टेड आदमी उससे टकरा जाता है, जिसके बाद शोक का फोन नीचे गिर जाता है और शोक उस पे गुस्से से चिल्लाता है, मगर वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद शोक की नजर उसकी क्रश मियोंग पे पड़ती है, जिसे दो लड़के बुली कर रहे थे। शोक फटाफट भागकर उसके पास जाता है और उन बुली से बात करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश करता है, मगर ये बुली लातों के भूत थे और उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए शोक उन्हें डिशम डिशम करके अच्छी तरह सबक सिखाता है। इसके बाद शोक उसे एक मूवी देखने के लिए पूछता है क्योंकि उसके पास इस मूवी के दो टिकट्स हैं। ये दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और हम देखते हैं इस बिल्डिंग की लैंडलेडी को। वो लेडी बहुत खरूस थी और वो शोक से कहती है कि अपने बॉस को जल्दी किराया भरने को कहो, वरना इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए तैयार रहना। दोस्तों इनका काम भी एक यूट्यूब चैनल को हैंडल करने का था, मगर शायद इनके पास आपके जैसी प्यारी ऑडियंस की कमी थी, इसलिए इनका काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि इनके बॉस के पास अपनी टीम को पे करने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ शोक के ऊपर एक आदमी अटैक करता है और शोक एक फ्लाइंग किक मार कर उसे नीचे गिरा देता है, मगर ये सब असली नहीं बल्कि सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। उनका बॉस एक ब्लॉग बना रहा था, दरअसल वो उसे अपने चैनल पे अपलोड करने वाले थे। मियोंग इसी टीम की वीडियो एडिटर थी। दोस्तों ये बॉस मियोंग को काम में मदद करने के बजाय उसे छूने की कोशिश करता रहता था और ये देखकर शोक को बहुत गुस्सा आता था। वो अपने दोस्त को उठाकर काम करना शुरू करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी अब इनकी बिल्डिंग तक पहुंच गया था और टीवी पे उसी ज़ॉम्बी की न्यूज़ देखकर शोक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उसका चेहरा अच्छी तरह याद था। वहीं दूसरी तरफ बॉस और बाकी मेंबर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे लोग पसंद करते हो या जो ट्रेंडिंग हो, बिल्कुल के-पॉप की तरह। मीटिंग के बीच शोक मियोंग से अकेले में बात करके उसे कहता है कि अगली बार बॉस तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो तुम खुद को बचाने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, और वो उसे सिखाता भी है। उसके बाद जब ये दोनों कमरे में वापस जाते हैं तो वहाँ उसी गंगनम ज़ॉम्बी का वायरल वीडियो चल रहा था। फिर क्या, बॉस उन्हें कहता है कि सभी अपना फोकस इस ज़ॉम्बी की तरफ करो, अगर हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फुटेज बनाएंगे तो हमारा कंटेंट कोरोना वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इतने में ही उनके दरवाजे पे कोई आता है। दोस्तों अगर आपको ये वो ज़ॉम्बी लग रहा हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इनका वाटर सप्लायर था, जिसे देखते ही कंगाल बॉस अपनी चेयर को दूसरी तरफ मोड़ देता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी वाले से भी उधार पे ले रहे थे। पानी वाला जाते जाते बॉस को दो चार बातें सुना के जाता है
इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा होता है, तभी वो ज़ॉम्बी उस पे हमला करके उसे भी बुरी तरह काट लेता है। इसके बाद जब वो उठकर खुद को कार के मिरर में देखता है, तो खुद को देखकर बहुत डर जाता है और जोर से चीखता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। शाम के वक्त जब लैंड लेडी बिल्डिंग के बाथरूम की खराब हालत देखती है, तो वो ऑन ड्यूटी गार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उन्हें वार्निंग देती है कि अगर मुझे अगली बार इस बिल्डिंग की ऐसी हालत दिखी तो मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगी। तभी अचानक उन्हें लोगों की चीखें सुनाई देती है। जब वो तीनों वहां जाकर चेक करते हैं, तो वहां मौजूद लोग बचकर बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। अंदर एक कमरे में सभी एक दूसरे को काट रहे होते हैं। दोस्तों, इस गंगनम ज़ॉम्बी ने कईयों को काट कर अपने जैसा बना दिया था। लैंड लेडी बहुत डर जाती है और गार्ड को बाहर जाने के दरवाजे बंद करने के लिए कहती है, ताकि ये खबर बाहर किसी को पता ना चले, वरना कोई भी इसके बिल्डिंग में रहने नहीं आएगा। मगर गार्ड के डोर लॉक करते ही वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो गंगनम ज़ॉम्बी एक गार्ड को काट लेता है। इसके बाद लैंड लेडी और उसके साथ एक और गार्ड दोनों भाग कर उसी मीटिंग रूम पे पहुँचते हैं, जहाँ शोक और बाकी मेंबर्स उस लैंड लेडी की बात को मान ही नहीं रहे थे। वो टीवी में दिख रहे ज़ॉम्बी की तरफ देखकर उन्हें बताती है कि यही वो ज़ॉम्बी है जिसने ऑफिस के लोगों को काट लिया है। मैं सच कह रही हूँ। उसका बॉस बाकी मेंबर्स को यूट्यूब चैनल की ग्रोथ का मिशन शुरू करने को कहता है। यहाँ इस रूम में वो गार्ड जो लैंड लेडी के साथ यहाँ आया था, अपने हाथ की तरफ देखता है जिससे बहुत खून बह रहा था और वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। बाकी सभी लोग नीचे वाले फ्लोर पे जाकर चुपके से एक दूसरे को काट रहे ज़ॉम्बीज का वीडियो शूट कर रहे थे, मगर तभी एक ज़ॉम्बी की नज़र उन पे पड़ती है। वो आकर मियोंग का हाथ पकड़ लेता है। शोक उस ज़ॉम्बी को किक मारकर मियोंग को खींच लेता है और वो सब दरवाजा बंद करके वापस ऊपर की तरफ भागते हैं। बॉस उस वीडियो को देखकर खुश हो गया था, क्योंकि इसकी बदौलत वो वायरल हो सकते थे। मगर वहाँ वही खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है। शोक उससे लड़ने की कोशिश करता है। उस ज़ॉम्बी पे शोक की किक्स का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो शोक को गिरा देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी बॉस की तरफ आगे बढ़ता है, मगर वो बॉस खुद को बचाने के लिए अपनी टीम के मेंबर को उस ज़ॉम्बी के आगे धकेल देता है। शोक अपने दोस्त को बचाने के लिए फिर उठता है, मगर वो ज़ॉम्बी उसे पीछे फेंक कर उसकी दोस्त की गर्दन को बहुत बुरी तरह चबा डालता है। अपने दोस्त को इतनी बुरी हालत में तड़पता देखकर शोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बॉस का कॉलर पकड़ कर उससे लड़ने लगता है, मगर बड़ी मुश्किल से मियोंग उन्हें अलग करती है। फिर ये लोग बाहर निकलने की बात करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लैंड लेडी उन्हें बताती है कि मैंने गार्ड से कहकर इस बिल्डिंग के मेन एग्जिट डोर को बंद करा दिया था। इसका मतलब था कि अब ये लोग इस बिल्डिंग में बुरी तरह फंस चुके थे। इतने में ही वो दूसरा गार्ड, जिसके हाथ पे ज़ॉम्बी ने काटा था, पीछे से आकर बिल्डिंग की लैंड लेडी को काट लेता है। और बॉस इस सीन को भी अपने कैमरे में शूट कर रहा था। उस गार्ड की आंखें पूरी तरह काली दिख रही थी। शोक इस ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है और मियोंग और बॉस इस कमरे से बाहर जाते हैं, मगर वहाँ भी एक ज़ॉम्बी बॉस की तरफ भागते हुए आता है और इस बार वो शेल्फिश बॉस मियोंग को उस ज़ॉम्बी के आगे धक्का मारने वाला था। शोक ये देखकर मियोंग को पीछे की तरफ खींच लेता है और वो ज़ॉम्बी बॉस को काट लेता है। अब इन दोनों के अलावा पूरी बिल्डिंग में सब जगह ज़ॉम्बीज ही घूम रहे थे। जब शोक और मियोंग को एक खाली कमरा दिखता है, तो ये दोनों यहाँ आकर छुप जाते हैं। मियोंग को यहाँ सोते वक्त एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि बॉस अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और वो उसे काट लेता है। और इसके बाद मियोंग नींद से चीखते हुए उठ जाती है। शोक उसे हग करके उसे कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। शोक अपने प्लान के अकॉर्डिंग ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर एक रेडियो पे म्यूजिक प्ले कर देता है और उसे रस्सी से लटका देता है। इसके बाद एक एक करके सभी ज़ॉम्बी उस रेडियो की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आने लगते हैं। शोक और मियोंग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मगर इसी बीच शोक का बेस्ट फ्रेंड उठकर इन पे हमला कर देता है। शोक इमोशनल हो जाता है और अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करता है। इसके अलावा पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका बॉस भी मियोंग को पकड़ लेता है। वो बॉस को एक बेसबॉल बैट से मारती है। जब उसकी नज़र मुसीबत में फंसे शोक पे पड़ती है, तो वो उस दूसरे ज़ॉम्बी को भी बैट से मारती है और फिर शोक के साथ भागती है। ये दोनों रिसेप्शन रूम के टेलीफोन से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सभी लाइन्स ब्लॉक कर दिए गए थे। सारे ज़ॉम्बीज ही उनकी तरफ आ जाते हैं। और तो और, जो रेडियो शोक ने ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया था, वो भी अचानक बंद हो जाता है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो
दोनों हिम्मत करके ज़ोंबी से लड़ने की कोशिश करते हैं। शोक अपने फाइटिंग टेक्निक्स और मियोंग बेसबॉल बैट से ज़ोंबी से बचकर भाग रहे थे, मगर एक बार फिर उनका सामना गंगनम ज़ोंबी से होता है। शोक इससे लड़ने लगता है और मियोंग भी उसकी मदद करती है। इसके बाद ये दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, मगर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां ज़ोंबी ना हो। शोक फटाफट मियोंग को कार के अंदर बैठाकर उसका दरवाजा लॉक कर देता है। वहां खड़े ज़ोंबी शोक को काटने की कोशिश करते हैं, मगर शोक बेसबॉल बैट से उनकी कुताई कर रहा होता है। कुछ ज़ोंबीज मियोंग की कार तक पहुंच चुके थे और गलती से मियोंग कार का साउंड सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके बाद सारे ज़ोंबीज उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शोक कार के ऊपर चढ़कर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत सारे ज़ोंबीज उसे काटने ही वाले थे, पर शोक को बचाने के लिए मियोंग कार में रखे फायर एक्सटिंग्यूशर को इस्तेमाल करती है। और अभी तक शोक पूरी तरह ठीक था। ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, मगर वो जिद्दी गंगनम ज़ोंबी आकर शोक को काटने की कोशिश करता है। उस पे बेसबॉल बैट का और शोक की किक्स का भी कोई असर नहीं होता है। वो ज़ोंबी उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। तभी लेन लेडी को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ शोक और मियोंग उसे कैसे भी करके नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद शोक गंगनम ज़ोंबी को बेसबॉल बैट से नॉनस्टॉप स्मैश कर रहा होता है, मगर इसी बीच वो लैंड लेडी उसके पैर पे काट लेती है। मियोंग आकर उसे मार डालती है, बट तब तक वो शोक के पैरों पे काट चुकी थी। शोक ज़ोंबी बनने से पहले इमोशनल हो जाता है और मियोंग को अपने दिल की बात कह डालता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो उसे हग करके जल्दी गाड़ी में बैठकर वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। जब ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो शोक की जींस से लैंड लेडी की नकली दांत नीचे गिरते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उसके दांत नकली थे। इसका मतलब ये था कि शोक की बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और वो ज़ोंबी नहीं बनेगा, इसलिए वो दोनों इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गंगनम ज़ोंबी एक बार फिर उठकर चलने लगता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह पूरे शहर को ही इन्फेक्टेड ज़ोंबीज में बदल देगा? कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह की मूवीज पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।